यहाँ पर टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के तमाम कारकुनान मौजूद हैं। इनका मुतालबा है कि देश जिस तरह से जातिवाद की चपेट में आ रहा है, वो चाहते हैं कि मुल्क में अमन और शांति बरकरार रखना है, तो हिंदुत्ववादी तंजीमें जो भगवाकरण का एक एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही हैं और बेगुनाह मासूम मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए। और उन्होंने यही मुतालबा किया है डीसी कलगाम से कि ये मनवी जो मेमोरेंडम दिया गया है वो राष्ट्रपति जी तक पहुँचाए, ताकि इस मुल्क के अंदर अमन शांति बरकरार हो और ये भगवाधारी तंजीमें जो है मुल्क के जमहूरियत को रौंदते हुए ये एक विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, विकास की तरफ नहीं बल्कि विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर उनके जिम्मेदार मौजूद हैं सर आरिफ भाई, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या मुतालबा है, देने की वजह क्या है? हम लोग आज सदर जमहूरिया से मेमोरेंडम देने आए डीसी के माध्यम से कि हमारा मुतालबा यह है कि राम सेना और दूसरे जो हिंदू नवाज कट्टर हिंदू नवाज तंजीमें हैं उन पर जल्द से जल्द बैन करें, क्योंकि हिंदुस्तान में कर्नाटक एक ऐसी रियासत है वहाँ जहाँ हम आएंगे और हम जो यकजहती के साथ लोग यहाँ पे रहते हैं। इसकी मिसाल पिछले महीने रमज़ान में पेजावर मठ जो उड़ती में है वहाँ पर देखा गया कि इख्तियार की पार्टी अरेंज की है, तो मठ के खिलाफ जो है राम सेना वाले उठ गए कि मुसलमान आने की वजह से हमारा मठ नापाक हो गया। कोई धर्म आपस में बैर रखने की हिदायत नहीं करता, इस्लाम भी यह नहीं सिखाता है कि किसी मज़हब से बैर रखो, इसलिए हम अमन चाहते हैं और सुकून चाहते हैं और ताकि हिंदुस्तान की हालत न बिगड़े। अगर हालात ऐसे ही हुए तो एक अखलाक से लेकर एक जुन्नत तक 22 मुसलमान हमारे शहीद हो गए हैं, उनको भी कानून नहीं मिलेगा, फिर आने वाले दौर में ऐसा होगा कि दूसरा हमारा भी नंबर आएगा। इसलिए हम अभी से यही तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी हालत में हालात अच्छे हों, ऐसे तंजीमों पर बयान हो और ख़ास करके राम सेना पर बयान हो, हमारा यही मुतालबा हमेशा रहेगा और रहेगा। अभी आप सुन रहे थे टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के सदर जनाब आरिफ खड़गेरी साहब, इन्होंने ये पैगाम दिया है। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ ये तो मुसलमानों को ही मुतालबा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सेक्युलरवादी और निधर्मी जिस पर भरोसा रखते हैं इस मुल्क की बुनियाद पर, तमाम हिंदू तंजीमें भी यहाँ पर आए और भाईचारे का मुतालबा करते हुए कट्टरवादी और हिंदुत्ववादी जो भगवाधारी तंजीमें हैं उन पर पाबंदी की मांग करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह टीपू सुल्तान संघर्ष समिति जिला बेलगाम की तरफ से तुम्हारे माध्यम से हमें एक मनवी देने हासिल है। हम भारत के राष्ट्रपति के नाम ये मेमोरेंडम दे रहे हैं। आज जो मुल्क के हालात हो रहे हैं, कट्टरियत ज़्यादा होने की वजह से, जातिवादी का बढ़ावा होने की वजह से कौम में और पूरे हिंदुस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं, इसका रियाज रखते हुए हमें राष्ट्रपति के नाम हमें एक लेटर लिखे हैं। इसमें हम लिखे हैं कि भारत की विशेषता यही कहती है कि यहाँ के हर भाषा धर्म सब एक हैं, सदियों से हमारे देश में भेदभाव न रखे हुए काम चल रहा है हमारा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से सेंट्रल में गवर्नमेंट चेंज हुए उस टाइम से यहाँ पर अकलियती तबके को, खासकर मुसलमानों को, तरह तरह के इल्जाम में मुस्लिम नौजवानों को फंसाया जा रहा है। पिछले चंद माह से गो रक्षा के नाम पर 2 महीने के अंदर 22 मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, सिर्फ गौ रक्षा के नाम पर। इसका लिहाज रखते हुए हमें कर्नाटक में भी लास्ट टाइम रमज़ान के महीने में जो है उड़पी के पेजावर मठ को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने इफ्तार पार्टी अरेंज किए और मुसलमान वहाँ जाकर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, लेकिन यहाँ जो कौम एकजहती को जो ठेस पहुँचाने वाले जो लोग हैं, खास करके राम सेना वाले, उस पर ऑब्जेक्शन निकालने के बाद में बोले कि ये सही नहीं है, यहाँ मुसलमान आने की वजह से मंदिर नापाक हो गई, ऐसे इल्जाम लगाए मुसलमानों पर, तो हम उनकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि राम सेना जैसे तंजीमों पर बयान करना यही हमारा मुतालबा है। आने वाले दिनों में और हालात कौम मुल्क के हालात न बिगड़ें, फसाद होने का डर है, इसीलिए हमारी पुरजोर अपील है राष्ट्रपति जी से, माननीय आपके माध्यम से हम पुरजोर अपील करते हैं कि जल्द से जल्द राम सेना जैसी तंजीमों पर बयान करें और मुसलमानों को उनका हक अदा करें, ताकि हम दूसरे नंबर के शहरी बनना नहीं चाहते, हमारा भी इस मुल्क पर हक है और हक रहेगा और हक हमेशा रहेगा। अच्छा फुटले सर, अगर गौ रक्षक बन गया तो हम मानव रक्षक बन के निकलेंगे, पहले दलगाम से ही शुरुआत करेंगे। हम जो भी आपका रिक्वेस्ट है इसमें मेमोरेंडम में वो सभी राष्ट्रपति को लिख के सिफारिश करेंगे। 22 लोगों का कत्ल हुआ है सर,
ठीक है, जो भी हो इंक्वायरी करते हैं। ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಸತ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆಯ್ತು.